माना जाता है कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ है नहीं कि विदेशी नागरिक प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, तो फिर इतना ये विवाद क्यों सोनिया गांधी को लेकर? देखिए, हम सोनिया गांधी का विरोध नहीं करते हैं और न ही हम सोनिया गांधी के पर कोई आरोप करते हैं। वो भारत के एक परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। भारत के दो बेटों की वो मां है, उनका स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा है, उनका सम्मान है। सोनिया जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, इसलिए चर्चा सोनिया जी के संदर्भ में करना मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस देश ने यह जरूर तय करना है, हिंदुस्तान ने आज, क्या भारत जैसे देश ने उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का मुखिया, जुडिशरी का मुखिया, ये जो प्रमुख पद है, क्या इन प्रमुख पदों पर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मुझे लगता है कि देश में आज समय आ गया है, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जो कांग्रेस, महात्मा गांधी विदेशी चले जाओ के नारे लगा करके काम कर रही थी, वही कांग्रेस विदेशी को लाओ का काम मंत्र पढ़ेगी, ये होगा वो मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस इसी हालत में तुली है कि 100 करोड़ देश के पास कोई नेता नहीं है, और ये देश के स्वाभिमान का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है कि क्या मेरे आजाद देश जो अंग्रेजों को यहां सर रहा है, गोरी चमड़ी के लोगों को हटाया, उस देश का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है क्या? इसलिए देश के स्वाभिमान की लड़ाई है ये, उसको राजनीति या सोनिया एक व्यक्ति के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। दूसरी बात है, संविधान के अंदर यह भी लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी से शादी कर सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की सेना का जवान या सेना का कोई भी अफसर या हमारे डिप्लोमेट्स के नाते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में काम करने वाले कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर वे किसी विदेशी मूल की व्यक्ति से शादी करते हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, परमिशन अगर मिलती है उनको तो बाद में ये देखा जाता है कि वो किसी संवेदनशील पोर्टफोलियो को न संभाले, उनको ऐसी जगह पर रखा जाता है ताकि देश की सुरक्षा के सवालों को लेकर के उनका कोई संबंध ना आ जाए। अब ये देश के जवान की देशभक्ति पे कोई आशंका नहीं है, लेकिन देश हित में सब सोचना पड़ता है। अगर देश के एक जवान को पत्नी भी विदेशी लाने के लिए रोक है तो क्या एक विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री बना देना और हिंदुस्तान की सारी फाइलें उनके सामने खोल देना, ये कौन सी सुरक्षा का विषय है? तीसरी बात है, हिंदुस्तान में घटना घटी थी, पंडित नेहरू के जमाने में घटी थी, होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको दो पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है, तो आज वो बदल करने की आवश्यकता क्या है? और भी एक घटना मैं बता सकता हूं आपको। हिंदुस्तान में सोनाली नाम की बंगाल की एक बहुत मशहूर कलाकार थी, सिने एक्ट्रेस थी, 1950 के कालखंड में, तब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन मैंने उनके विषय में सुना हुआ है। अब सोनाली एक्ट्रेस के नाते काम करती थी, तब इटली का एक रसोलिनी नाम का फिल्म डायरेक्टर हिंदुस्तान आया था, उन दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई, सोनाली उसके साथ इटली में रहने लगी, शादी होने के कारण वो वहां की नागरिक बन गई, और उसको सोनिया जी की तरह नागरिक बनने में 15 साल नहीं लगे थे, वो तो जाते ही नागरिक बन गई थी। अब 20 साल के बाद उसको चुनाव लड़ने का मन कर गया, तो इटली के अंदर किसी शहर के एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, ये सोनाली उस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उम्मीदवार बनी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया, इस बात पे कैंसिल किया गया
कि वो इटली की नागरिक तो हैं लेकिन इटालियन नहीं है, वो मूल इटली की नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, इसलिए वो वहां की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सोनाली के लिए तो इटली के अंदर ये दरवाजे बंद और हिंदुस्तान में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए, तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, और ये जो सोनिया जी का देशी विदेशी मामला है ना, वो कांग्रेस वाले ज्यादा चलाते हैं। सवाल तो ये है, क्या सोनिया जी हिंदुस्तान जैसा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका प्रधानमंत्री, इसका कोई अनुभव होना चाहिए कि नहीं? एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होनी। आप एक प्यून को भी नौकर रखते हैं तो पूछते हैं कि पहले कहां काम करते थे भाई, घर के अंदर बर्तन साफ करने वाले को रखते हैं तो भी पूछते हो कि पहले कहीं काम किया है क्या, वो भी है। आप क्लार्क रखते हो, कैमरामैन रखते हो, किसी को भी रखते हो तो पूछते हो। सोनिया जी ने हिंदुस्तान की पंचायत तक देखी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उनको हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है। और मैं पिछले 1.5 साल से कांग्रेस के लोगों को एक चैलेंज करता रहता हूं कि भैया सोनिया जी मंच पे आकर के, मेरी एक शर्त रहती है कि बिना कागज वो आए, वो कागज पढ़ती रहती किसी का लिखा हुआ, सोनिया जी बिना कागज लेकर के आए और आकर के, और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के राज्यों के नाम बोल दें बिना कागज दिए। और मैं दावे से कहता हूं, हिंदुस्तान का 3री कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। क्या ऐसी व्यक्ति भारत की प्रधानमंत्री बनेगी? क्या कोई अनुभव है क्या उनका? और इसलिए देश की जनता को सोचना पड़ता है कि भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं इतना बड़ा देश चलाना। और उनके सामने अटल जी देखो, 50 साल से देश की राजनीति में है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसके साथ वो जुड़े न हो, 35 साल से संसद में बैठे हैं, विपक्ष में रहे हैं, और कितना ऊंचा व्यक्तित्व है। तो सवाल कांग्रेस को, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा।